जब मैंने ट्रेलर का रिव्यू किया था तो वहां पर जो होते ना डंप फैन, वो वहां पर आ गए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना जो मैंने उसके अंदर बोला है, बस हाँ वो डंप फैन है और उनको अपने वो डंप फैन साबित वहां पे करना है। भाई लग गए वो, इतनी तो उन्होंने वहां पे गालियां दी और वहां पे वो लग गए आई लव सिद्धार्थ, आई लव सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ शुक्ला तो बैठे हैं ना मेरे पास तुम्हारे कमेंट पढ़ने के लिए, और वहां पर जो मुझे गालियां पड़ रही हैं ये बताने के लिए भैया तुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, जब ये सीरीज आएगी तब देखना कितनी हिट होगी। लो आ गई सीरीज। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 के बारे में। ये सीरीज मैंने देखी है, टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड हैं और बच्चों का खेल नहीं है इन 10 एपिसोड को झेलना, इनटॉलरेबल है, सच में इनटॉलरेबल है। हाँ बात बुरी लगेगी जो सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैन है, खासकर जो डंप फैन है, उनको ये बात बुरी लगेगी यार कैसे बोल दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जिसके हम फैन है वो है इस सीरीज के अंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोल दी। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं बात अलग अलग कर रहा हूं, मैं सिद्धार्थ शुक्ला को बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं सीरीज को बुरा बोल रहा हूं, तो इन चीजों में फर्क है। लेकिन उनके पास दिमाग की इतनी भारी कमी है, उनको पता भी नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो इस वीडियो में डिसलाइक करते हैं, इस वीडियो में वो गालियां देते हैं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इवन पिछली जो ट्रेलर के मैंने रिव्यू किया था उसके अंदर डिसलाइक का रेशो देख लो, बहुत ज्यादा डिसलाइक आए हुए हैं, बहुत सारी गालियां पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो भाई साहब उसके डिसलाइक लाइक वाला वो रेशो बंद कर देता, कमेंट सेक्शन बंद कर देता, लेकिन इन चीजों से फर्क कभी पड़ा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है यार तुम्हारी सोच कैसी है, क्योंकि जो सोच समझ कर चीजों को देखेगा वो जानेगा कि भैया उस ट्रेलर में मैंने बोला क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि यार मैंने कुछ गलत बोला उसके अंदर। वेल मैं कोई क्लियरिफाई या कोई सफाई नहीं देना चाहता हूँ, जो बोला मैंने सही बोला वहां पर, और आज भी इस वीडियो में भी कोई चापलूसी कर या किसी को खुश करने के लिए वहां पर मैं अच्छाई अच्छी अच्छी बातें नहीं बोल सकता, क्योंकि नहीं है यार मेरे पास वो चीज कि भी हाँ किसी की फैन फॉलोइंग को खुश करना है कि हाँ बहुत अच्छी चीज की है यहाँ पर, बहुत बढ़िया सीरीज की, वो नहीं बोला जाता, जो सच है वही बोलूंगा। तो अब इस सीरीज की कहानी के ऊपर आते हैं। टोटल इसके अंदर 10 एपिसोड है, लेकिन मुझसे इसके सिर्फ 6 ही एपिसोड देखे गए हैं। सच में इसके 6 एपिसोड देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। कहानी कितनी बार ये वाली कहानी हमने देख रखी है, कोई किसी से प्यार करता है लेकिन उसको वो धोखा दे रहा है, लेकिन जब उसको एहसास होता है तब तक वो प्यार करने वाला ही नहीं रहता। बहुत यूनिक स्टोरी है ना, हमने तो कहीं पर भी सुनी ही नहीं। पर मुझे लगता है ना कि ओल्ड बालाजी को सच में अपने लिए एक सॉफ्ट पोर्न की एक अलग से साइट खोलनी चाहिए, जहां पर ये किसिंग सीन वो भर भर के डाल सके। वही चीजें हैं इसके अंदर यार, उस चीज का मतलब क्या है, क्या लॉजिक बनता है, उससे स्टोरी कहां पर इंपैक्ट, मतलब उससे स्टोरी का कहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ता है, वो चीज तब डालो ना जिससे यहां पर लगे कि अब बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये जो चीजें डाली गई इन्होंने स्टोरी के ऊपर तो काम किया नहीं, इन्होंने सिर्फ काम किया जिनको ये चीजें देखना पसंद है वो स्टोरी के बेस पे नहीं। ये किसिंग सीन दिखाकर इतने भर भर के हैं, गालियां हैं, इतनी ज्यादा चीजें, मैं कोई विरोधी नहीं हूं इस चीज का, मैं पहले कह रहा हूं अगर कहानी बढ़िया है तो बेशक चीजें डालो, लेकिन जब कहानी नहीं है ये चीजें दिखाने का क्या फायदा है। सिर्फ और सिर्फ ये उन जनता को बुलाना चाहते थे जिनको ये सब चीजें देखना पसंद है। और सच कहूं सिद्धार्थ शुक्ला को भी एक बार शांत दिमाग से ये सीरीज देखनी चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि उन्होंने कहां काम किया है, किस प्रकार का काम किया। और जो इसके मेकर्स हैं ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 के, मुझे लगता है कि उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के फैन फॉलोइंग का ही फायदा उठाया कि भैया हाँ हम इनको ले आते हैं और इनके पीछे इनके जो फैन है वो तो आ ही जाएंगे, वो देख लेंगे और वो हिट कर देंगे, जैसे ट्रेलर हिट कर दिया था, ट्रेंडिंग में चला दिया था, तो ये भी हिट ही कर देंगे। और सच में इसके 6 एपिसोड देखने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई यार इसके आगे के एपिसोड देख सकूं। इसकी कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगी, इसके अंदर मुझे म्यूजिक जो है बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसा कि मैंने अपनी उस ट्रेलर वाले के रिव्यू में कहा था कि म्यूजिक इसका अच्छा है। अगर आप सिद्धार्थ शुक्ला और म्यूजिक को अगर साइड में हटा दे तो इसमें नील बटे सन्नाटा, ये बात मैंने पहले बोली थी और आज भी वो बात इसके अंदर कायम है। अगर आप हटा देते हैं म्यूजिक को, सिद्धार्थ शुक्ला की परफॉर्मेंस को, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं रह जाता। परफॉर्मेंस की बात करूं तो सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत बढ़िया काम किया है, बाकी लोगों ने भी काफी अच्छा काम किया। अब सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में मैंने अलग से नाम लेके क्यों बोला पता है, क्योंकि जो है ना डम सब्सक्राइबर उनको ये बात समझ नहीं आएगी कि भैया इन्होंने किसके बारे में बोला है, सिद्धार्थ शुक्ला को गलत बोल दिया या सीरीज को गलत बोल दिया। मैंने सिद्धार्थ शुक्ला को कुछ भी नहीं बोला, डम सब्सक्राइबर को यह बात समझ नहीं होगी कि मैंने सीरीज को गलत बोला है जो खराब है, स्टोरी को बात बोली है कि स्टोरी नहीं है इसके अंदर, वो चीज बोली है, तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। और अगर इतना बोलने के बाद भी इनको ये बात समझ नहीं आती तो भाई साहब अपना इलाज कराओ कहीं और जाके, मेरे पास तुम्हारा इलाज नहीं है। तो बस मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने देखी है क्या बोलूं यार, वो फैन फॉलोइंग आएगी भाई बहुत बढ़िया। तो अगर देखी है तो अपने कमेंट, जो भी अपने विचार हो वो कमेंट सेक्शन में रख देना, बेशक वीडियो को डिसलाइक कर देना अगर तुम्हें पसंद आई है, तो वीडियो पसंद नहीं आई है तो बेशक डिसलाइक करना, लाइक करना, जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर देना। और जिन्होंने नहीं देखी है तो रिव्यू तुम्हारे सामने, अपनी बुद्धि अपनी विवेक का खुद यूज करना। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।